अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना बधाई। आज जब हम देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र के संसद भवन के अंदर जब योग कर रहे हैं, तो हमारे साथ विश्व के 200 देशों से अधिक वहाँ की जनता, वहाँ के जनप्रतिनिधि, सामान्य मानवीय लोग भी योग कर रहे हैं। और हमें खुशी है हमारे सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी आज संयुक्त राष्ट्र संघ में योग कर रहे हैं कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ में। योग का शब्द ही जुड़ना है और भारत की संस्कृति में, उसके विचार में हमेशा व्यक्तियों को जोड़ना, समाज को जोड़ना, पूरे विश्व को जोड़ना, और आज भारत पूरे विश्व को जोड़ने का काम कर रहा है। पूरे विश्व में शांति रहे, स्थिरता रहे, पूरा विश्व के अंदर लोग स्वस्थ रहें, मानसिक स्वस्थ रहें, शारीरिक स्वस्थ रहें, इसके लिए हमने योग को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनाई है और इसकी विश्वव्यापी, सर्वव्यापी हम सबके प्रयासों से, पूरे विश्व के प्रयासों से आज योग सबका है, सर्वव्यापी है। और इसीलिए इस बार की थीम भी योग फॉर वसुदेव कुटुंबकम, हम योग के माध्यम से पूरे विश्व, जो हमारी संस्कृति है कि पूरा विश्व कुटुंब है, एक परिवार है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये विचार हमारा है, तो इस विचार को आगे लेने का काम भी भारत कर रहा है। इसीलिए भारत ने एक योग का अनुपम उपहार दुनिया को दिया है। हम जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लोकतंत्र हमारी प्राचीन संस्कृति है, विचार शैली है, कार्य पद्धति है। और आज हम दुनिया के अंदर कह सकते हैं कि योग भी हमारी जीवन शैली है, स्वस्थ रहने की प्रक्रिया है, मन तन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग आज विश्वव्यापी लोकप्रिय हो चुका है और जन जन का स्वस्थ रखने का एक प्रक्रिया हो चुकी है। और इसीलिए योग को समग्र क्रांति के युग के रूप में देखा जाता है। और इसीलिए बदलते परिप्रेक्ष्य में हम इलनेस से वेलनेस की ओर जा रहे हैं और इसके लिए योग हमें समर्थ बना रहा है। इसलिए हम सब आज यहाँ पर योग के लिए पधारे हैं। निश्चित रूप से योग किसी पंथ विशेष को नहीं, पूरी मानवता को जोड़ने का काम करता है। और इसीलिए योग जब हम करते हैं तो हमारी शारीरिक, मानसिक अनुशासन का एक संयोजन भी योग है। योग के बारे में जितना मैं बताऊं उतना कम है, लेकिन मैं दुनिया के जितने भी देशों में जाता हूं, मैंने देखा है योग लोगों की जीवन पद्धति बन चुका है और योग ही जीवन को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा प्रक्रिया बन चुकी है। इसलिए
योग केवल तन मन शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, योग हमारे मन को शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ योग का मूल मंत्र है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कार्य की कुशलता को बढ़ाने में भी योग की बहुत भूमिका है। योग हमारी कार्य कुशलता, हमारी कार्य क्षमता, हमारी कार्य संस्कृति सब में एक व्यापक बदलाव लाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब जब भी हम सुबह उठकर योग करते हैं तो तन मन शरीर के स्वास्थ्य साथ साथ हमारी आंतरिक ऊर्जा, हमारी आंतरिक चेतना, हमारे में नई ऊर्जा हमें मिलती है और हमारे कार्य को कुशलता करने में एक नई दिशा मिलती है। इसलिए आज हम योग की इसी धारणा को आत्मसात करें और मुझे विश्वास है योग से सहयोग की ओर हम पूरे विश्व को जोड़ेंगे, देश का हर जन जन व्यक्ति स्वस्थ रहे, तन से स्वस्थ रहे, मन से स्वस्थ रहे और अपनी कार्य प्रणाली के अंदर भी, कार्य संस्कृति के अंदर भी योग के माध्यम से विशिष्टता के साथ बदलाव लाए। क्योंकि हम देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी कार्य संस्कृति, हमारी कार्य कुशलता जितनी सर्वश्रेष्ठ होगी उतना ही देश में एक सही संदेश जाएगा। पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।